आज की इस वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास Realme का कोई भी फ़ोन है और वो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो रहा है, आप फ़ोन को चलाते हैं, चलाते चलाते ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाता है, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। यहाँ पे मैं 8 से 9 तरीके आपको बताऊंगा। अगर आप ये सेटिंग अपने फ़ोन में अप्लाई करते हैं तो इस वीडियो को देख लीजिए पूरा 100%, आपको किसी और वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी देखने के लिए, और आपको कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं। बस आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में ही वो सेटिंग करनी है, अपने फ़ोन में ही वो सेटिंग करनी है, जिससे आपका फ़ोन ऑटोमेटिक स्विच ऑफ नहीं होगा, Realme का स्मार्टफोन। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, 3 से 4 मिनट की हो सकती है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि सही जानकारी दूंगा तो थोड़ा बहुत तो समय लगेगा। तो पेशेंस बना के रखिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, और जहाँ पर भी आपको वीडियो का पार्ट अच्छा लगे वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपको ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है, तो सबसे पहले देखो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको अपने जो पावर वाला बटन होता है, ये आपको अपने फ़ोन में दबा के रखना है, Realme के स्मार्टफोन में। और आपको सबसे पहले अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करना है। क्या करना है, यहाँ से इस तरीके से रीस्टार्ट कर देना है। रीस्टार्ट होगा, ऑटोमेटिक ये ऑन हो जाएगा, ठीक है, घबराने वाली बात कोई नहीं है। सबसे पहले आपको ये करना है, उसके बाद ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। अब आपको दूसरा काम क्या करना है, आप अगर आपके पास Realme का फ़ोन है, Realme के चार्जर से आप फ़ोन को चार्ज नहीं कर रहे हैं, तो ये आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको अपने जो Realme का फ़ोन है उसी Realme के फ़ोन के चार्जर से ही आप चार्ज कीजिए, ठीक है। चाहे किसी भी Realme का कोई भी चार्जर हो, Realme का ही होना चाहिए, उसी चार्जर से आपको अपने फ़ोन को चार्ज करना है, ठीक। डाटा केबल वही होनी चाहिए, लोकल डाटा केबल नहीं होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा काम तो ये करना है आपको। अब यहाँ पे मैं तीसरा आपको तरीका बताऊंगा। तीसरा ये है कि आपका फ़ोन हीट हो जाता होगा, यानी कि आपका Realme का फ़ोन है ओवर हीट हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक वो रीस्टार्ट या फिर ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो ओवर हीट से बचने के लिए आगे मैं सेटिंग बताऊंगा आपको कैसे क्या करना है। नेक्स्ट सेटिंग ये है कि आपको क्या करना है, जब भी आपका फ़ोन हीट हो, अब आप अपने फ़ोन को चार्ज करो, तो अपने फ़ोन का जो बैक कवर होता है, आपने बैक कवर जो लगा रखा है उसे आप हटा दीजिए, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, उसका बैक कवर हटा देना है, उसके बाद ही चार्ज करना है। हाँ, चार्ज उस जगह पे करना है जहाँ पे गर्मी कम हो, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक। चार्ज उस जगह करना है जहाँ पे कूल हो, ठीक है, थोड़ा ठंडा हो, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, अब आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना है, ठीक है। सेटिंग में जैसे ही आप जाएंगे तो वहाँ पे एक आपको सर्च बार दिखेगा ऊपर, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्लिक करके यहाँ पे आपको डालना है सॉफ्टवेयर, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सॉफ्टवेयर अपडेट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या चेक करना है, आपके फ़ोन के अंदर कोई सॉफ्टवेयर अपडेट तो नहीं आया है। अगर सॉफ्टवेयर अपडेट आया है तो आप उसे अपडेट कर लीजिए, ठीक है। अपडेट करेंगे उसके बाद आपके फ़ोन की जो प्रॉब्लम है, जो भी पेच होगा, सिक्योरिटी पेच होगा, वो सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है आपको, नेक्स्ट आपको ये करना है कि आपने किसी अननोन एप्लीकेशन को, जो थर्ड पार्टी ऐप है, ठीक है, उनको परमिशन दे रखी है, तो उन्हें आपको अपने फ़ोन से अनइंस्टॉल करना होगा। वो चेक करने के लिए आपको अपने प्ले स्टोर में जाना होगा। जैसे आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, यहाँ पे आपको अपने लोगो पे टैप करना होगा। जैसे उस पर आप टैप करेंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देगा प्ले प्रोटेक्ट का, इस पर आपको क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है स्कैन का, तो स्कैन आपको इस पर करना है। जैसे स्कैन करेंगे ये गोल गोल घूमने लगेगा, जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता स्कैन, तब तक आपको इसे ऐसा ही रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बताऊँगा आपको कैसे क्या करना है, ये आपको सेटिंग करनी होगी, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे आ गया है नो हार्मफुल एप्स पॉइंट, इस तरीके से। अगर आपका यहाँ पे ऐप शो हो रहा है तो उस फ़ोन को अपने फ़ोन से अनइंस्टॉल कर दीजिए, ठीक है। क्या करना है, उस फोन अपने फ़ोन से उस ऐप को अनइंस्टॉल करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट सेटिंग आपको करनी है, मोबाइल की सेटिंग में ही आपको जाना है, और यहाँ पे एक सेटिंग आपको सर्च करनी है। यहाँ पे डालना है डिस्प्ले, क्या डालना है, डिस्प्ले ओवर अदर ऐप, ठीक है। यहाँ पे डिस्प्ले ओवर अदर ऐप पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन दिख जाएगा। अब यहाँ पे आपने फालतू के किसी एप्लीकेशन को डिस्प्ले की परमिशन दे रखी है, जैसे इस तरीके से परमिशन इस तरीके से मैंने अलाउ कर दी, इस तरीके से हैं, तो आपको इन्हें क्या कर देना है, बंद कर देना है, ठीक है। ये सेटिंग आपको करनी होगी। नेक्स्ट क्या है वो मैं आपको बताऊँगा। नेक्स्ट आपको आपके फ़ोन के अंदर ये देखना है कि बैटरी डैमेज तो नहीं हो गई है, ठीक है। ये आपको लास्ट में पता चलेगा, ठीक है, मैं लास्ट में आपको बताऊँगा कैसे चेक करेंगे। तो आपको ये सेटिंग जो मैंने बताई है, ये आपको सेटिंग अप्लाई करनी होगी, ठीक है। और एक चीज़ और होती है कि जैसे ज़्यादा गर्मी होती है, हीट के कारण भी आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है, या फिर आप ज़्यादा गेमिंग करते हैं तब भी आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो सकता है, ठीक है। तो आपको एक सेटिंग और करनी होगी अपनी मोबाइल की सेटिंग में जाके, यहाँ पर आपको डालना है ऑटोमेटिक, ठीक है, ऑटोमेटिक स्विच ऑफ, ठीक है। यहाँ पे आपको डालना है ऑटोमेटिक सॉरी नहीं डालनी है, यहाँ पे डालना है शेड्यूल, क्या डालना है, शेड्यूल
पावर ऑन ऑफ इसी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको देखना है आपके मोबाइल के अंदर ये सेटिंग ऑन तो नहीं है, तो यहाँ पे आपको इन सेटिंग को आपको ऑफ कर देना है, ठीक है, ये भी आपको सेटिंग करनी ही होगी। अब आपको सेटिंग कौन सी करनी है, अब आपको देखो क्या करना है, आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको एक काम करना है, बहुत ही कमाल की सेटिंग है, मोबाइल को पहले स्विच ऑफ करो, ठीक है, मोबाइल को आपको सबसे पहले स्विच ऑफ करना है। स्विच ऑफ करने के बाद आपको एक काम करना है, पावर बटन, ये देखो जो पावर बटन है, पावर बटन, ठीक है, और यहाँ पे वॉल्यूम का जो अप बटन होता है, ठीक है, पावर बटन और वॉल्यूम, सॉरी डाउन बटन, पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन जो है एक साथ आपको दबा के रखना है, ठीक है, एक साथ दबा के रखेंगे, लैंग्वेज को आप सिलेक्ट करेंगे और फ़ोन को रीबूट करेंगे या फिर रीस्टार्ट का ऑप्शन आ जाएगा, वो कर देंगे और प्राइवेसी पासवर्ड डालेंगे, आपका फ़ोन ऑन हो जाएगा, ठीक है, आप समझ गए होंगे, इतने तो आप समझदार होंगे ही। लास्ट में आपको देखो क्या करना है, आपको अपने फ़ोन का यहाँ पे जो सेटिंग होता है उसे आपको ओपन करना है, ठीक है, और यहाँ पे आपको डालना है रीसेट सिस्टम सेटिंग, क्या डालना है, रीसेट सिस्टम सेटिंग ओनली, तो आपको अपने मोबाइल की सेटिंग को रीसेट स्टार्ट कर देना होगा, ठीक है। उसके बाद देखो फिर भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट कीजिए, हार्ड रीस्टार्ट कीजिए। हार्ड रीस्टार्ट करने से पहले आपको अपने फ़ोन का जो भी डाटा है ट्रांसफ़र कर लेना है दूसरे फ़ोन में, नहीं तो वो डिलीट हो जाता है, ठीक है। जो मैंने आपको ये तरीके बताया, अगर ये तरीके अपनाते हैं तो 100% आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, 100% ही सॉल्व होगी। एक सेटिंग और मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही अच्छी सेटिंग है। आपको देखो क्या करना है, आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे आपको एडिशनल सेटिंग दिख जाएगी, ठीक है, उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको डेवलपर ऑप्शन मिल जाएगा, डेवलपर ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको नीचे की तरफ चलना है तो यहाँ पे कुछ सेटिंग होती है जो आपको करनी होगी अपने इसमें, इसके अंदर जाके जैसे डोंट कीप एक्टिविटीज़ है आपको ऑन होगा तो इसे बंद कर दीजिए, बैकग्राउंड की प्रोसेस लिमिट स्टैंडर्ड लिमिट कर लीजिए। उसके बाद आप ऊपर की तरफ इस तरीके से चलते आएंगे तो यहाँ पे एनिमेशन जो है वो आपको 0.5 पे कर लेना होगा, ठीक है, क्या करना है 0.5 पे, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे 0.5 पे कर लिए इस तरीके से, ये आपको करनी होगी, ठीक है। उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं देखने के लिए मिलेगी, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अगर फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको अपने किसी दुकान पे जाके, किसी केयर पे जाके आपको दिखाना है, उसकी बैटरी भी डैमेज हो सकती है। अगर आप ये सेटिंग करेंगे तो हार्डवेयर तो नहीं सही हो सकता है लेकिन आपका सॉफ्टवेयर का जो इशू होगा वो सही हो जाएगा। वीडियो आपको ये कैसी लगी, अगर आप फिर से देख सकते हैं और आपकी प्रॉब्लम 1% 110% सही हो जाएगी। और आपके फ़ोन के अंदर जितने भी ऐप्स होते हैं आपको फालतू के ऐप्स को डिलीट कर देना होगा, हटा देना होगा। और यहाँ पे गेमिंग आप कर रहे हैं छोटे से फ़ोन में तो आपको प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगी ही, यहाँ पे ऐप इनपो मिलेगी, यहाँ पे दबा के रखे, ठीक है, उसका फोर्स स्टॉप कर दीजिए, जितने भी ऐप्स होते हैं एक एक करके स्टोरेज उस पर क्लिक करके इनका क्लियर कैच कर दीजिए, क्लियर डाटा मत कीजिए। और आपकी जो प्रॉब्लम है 1% में गारंटी लेता हूँ 110% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, 100% में गारंटी लेता हूँ। बस इस वीडियो को आपको फिर से वॉच कर लेना होगा, ठीक है, और फालतू के आपको अपने फ़ोन के अंदर नहीं रखना होगा। तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद।